मेरा बैल्कनी वाला रूम है, हम आपको इसके बाद एक बिना बैल्कनी वाला रूम भी दिखाएंगे दिखाने के लिए कि कंपैरिजन। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रेफरेंस वाला या कोई काम होता है, ये आपको अलॉट होते हैं रूम। तो जनरली एक खिड़की रहती है, मेरे पास दो है बिकॉज आई एम लकी। ऐसा मेरे यहाँ से सनसेट काफी अच्छा दिखता है। माय नेम इज शिवानी, आप देख रहे हैं बॉडी बिल्डर 90। आज हम आपको दिखाने वाले हैं गर्ल्स हॉस्टल का यूनिट कैसा होता है। ये किचन है, यहाँ पे आप छोटा छोटा काम कर सकते हैं, सैलेड वैलेड बनाना हो या केटल में चाय वगैरह बनानी हो या कुछ भी हो, तो ऐसे आपको रुको लाइट जलाते हैं। यहाँ ये आपको आने का पानी आता है पीने के लिए। ये एक छोटा सा फ्रिज मिलता है जिसमें आप 6 लोगों का काम कर सकते हैं। फ्रिज खोल के दिखा दें, ये देखिए बोतल भी हो जाएगी ज़्यादा खोलेंगे तो। ये सदफ का वॉकर है, ये हमारे यूनिट में तब से जब से हमारे हैं वो सदफ है, उसका पैर टूटा हुआ है। अभी हम आपको रूम दिखाते हैं। मेरा बैल्कनी वाला रूम है, हम आपको इसके बाद एक बिना बैल्कनी वाला रूम भी दिखाएंगे दिखाने के लिए कि कंपैरिजन। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रेफरेंस वाला या कोई काम होता है, ये आपको अलॉट होते हैं रूम्स कि बैल्कनी वाला मिल गया तो किस्मत है, नहीं मिला तो आइए। ये हमारी छोटी शीना है, स्मॉल शीना। बालकनी भी दिखा दीजिए प्लीज। हाँ, पहले अभी ये बता दें कि आपको रूम के साथ एक टेबल चेयर और बेड मिलता है। गद्दा आपको आपको खुद लेके आना पड़ता है। मैं घर से एक पतले वाला गद्दा भी लेके आई थी क्योंकि मुझे सिलाना चाहिए, यहाँ पे वो नहीं होता है, लोहे वाला पीछे है। एक अलमीरा मिलती है ऐसे, बाकी अलमीरा के साथ लड़की नहीं मिलेगी दोस्तों। तो आपको सिर्फ ये बेसिक चीजें मिलती है, ये बाकी सब का सामान खुद लाना पड़ता है, सारा सामान खुद लाना पड़ता है, जितना मर्जी सजा लो। ये मेरा ड्रीम कैचर है, थोड़ा ड्रीम कैचर दूर से दिखा। ये बालकनी है जहाँ आप ये बालकनी है और ये बालकनी का व्यू है, ये सामने बॉयज हॉस्टल है। आपको बाथरूम दिखाते हैं। यहाँ 6 कमरे होते हैं हर यूनिट में, बालकनी वाला रूम मिला के पहले 5 होते थे, अब 6 कर दिए उन्होंने। तो और उसके हिसाब से 2 बाथरूम और 2 टॉयलेट, ठीक है, 2 वॉशबेसिन है। ये हमारी सदा है। हाय, ये जब से आई है ये तब से रूम पे ही है। पहले दिन इसने पैर टूटवा लिया था। IIT में आके संभल के चलिए, पैर टूटने के 99% चांसेस है। नो कमेंट्स। ओवर टू निकिता एंड हर रूम, बिना बालकनी वाला रूम। कम This is my room. It's बिना बालकनी वाले रूम है। तो जनरली एक खिड़की रहती है, मेरे पास 2 है बिकॉज आई एम लकी। ऐसा मेरे यहाँ से सनसेट काफी अच्छा दिखता है, तो नहीं दिखेगा अभी दोपहर का टाइम है। एक विंडो ये है, ये मेन कैरेक्टर है मेरे रूम का, जीरो द जिराफ, दैट्स इट। और ये टेबल है, अभी दिवाली का सामान थोड़ा सा है बाकी पास, सिंपलिस्टिक। पीछे यू फक द बिच, यस। अच्छा एक और चीज, जो बिना बालकनी वाले रूम है उनमें पीछे आपको ये मिलेगा कपड़े टांगने के लिए, पर अगर आपको बालकनी वाला यानी कि आपको रूम F अलॉट होता है, जो कि आपको पहले पता लग जाएगा कौन सा अलॉट होता है, तो आपको पीछे वो लाने पड़ेंगे उसको लगाने के लिए, नहीं तो कपड़े टांगने के लिए कोई जगह नहीं होती, फिर वो कुर्सी में पड़े रहते हैं, फिर वो गंदे।